की सहरी बनाने के लिए सोई ही नहीं थी, बल्कि मैंने सोचा इमरान को भी भूख लग रही है तो थोड़ा सा कीमा भून लेते हैं और पराठे पकाऊंगी। तो प्याज कच्ची कर लेते हैं, ये टमाटर और हरी मिर्चें और इस टाइम पिसी हुई मिर्चें, गरम मसाला, जीरा, नमक, कुटी हुई मिर्चें और हल्दी और पिसी हुई मिर्चें, ये चीज़ और कीमा है बहुत थोड़ा सा। तो मज़ेदार कीमा तैयार है और ये आ गए हमारे पराठे। तो गाइज़ अभी हो गया शायरी का टाइम, तो शायरी कर लेते हैं और शायद इमरान भी रोज़ा रखें क्योंकि शायरी तो करना है वो, और रोज़ा रखवाऊंगी जब शायरी कर रहा है मेरे साथ। तो वैसे तो रोज़ ही करते हैं, कल मैक्रोनी बनाई थी, कुछ ना कुछ बनाती हूँ ज़रूर, लेकिन जो है ना आज मैंने सोचा ये इनको भी भूख लग रही थी तो मैंने कहा कीमा बना ले। देखिए मेरा मज़ेदार सा कीमा। 2000 years later। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मेरी मॉर्निंग में सुबह बहुत पहले हो चुकी थी। आज इतनी सुबह से तबीयत मेरी ख़राब थी कि बस पता नहीं क्या हो गया था, इतना बीपी लो हो रहा था और ऊपर से रोज़ा भी था, इतनी बस अजीब सी ही कुछ हालत हो रही थी, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सारा दिन कोई शूट किया ही नहीं, बिल्कुल भी नमाजें पढ़ पढ़ के लेट गई, बिल्कुल ऐसा लग रहा था हाथ पैर मेरे सुन हो रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि रोज़े तो मैं बहुत दिन से ही रख रही हूँ, वैसे भी मुझे जो है ना पानी थोड़ा कम पीती हूँ ना, तो इसमें पानी की कमी हो ही जाती है ज़रूर, रमज़ान में भी और इसमें भी, तो इसकी वजह से ना मेरे हाथ पैर बहुत ज़्यादा सुन हो रहे थे। तो बस अभी मगरिब का टाइम है, फ्रेश होकर आई हूँ, रोज़ा खोलूँगी फिर कहीं देखते हैं क्या करते हैं। बोरियत हो रही है, घर में बहुत सन्नाटा हो गया, एक तो अयान भी रुक गया वहाँ पर दादी के घर पर और इमरान और मैं ही है सारा दिन। इमरान ही बैठे रहे बेचारे सारा दिन ड्राइंग रूम में और आयत अपना अलग बैठी रही वहाँ पर, और मैं सारा दिन यहाँ पर बेड पर लेट कर गुजारा है मैंने। तो बस अभी जो रात तक की रूटीन होगी देखती हूँ क्या होगी। तो बस अभी हो गया है मेरा इफ्तार, नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हो गई हूँ, तो बस आज घर बहुत खाली खाली लग रहा है। ये बेचारी आयत एक कोने में बैठी हुई है। आयू क्या कर रही हो? और आज मुझे साफ करनी थी अलमारियाँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत ही सही नहीं थी। सुबह से सारे कपड़े धुले हुए रखे हुए, बाकी सफाइयाँ मैंने हाँ कर ली थी, मासी ही करके गई। अरे कहना क्या चाहते हो? मिलकर कर ली। तो बस अभी इमरान गया है बाहर चलो, लेकिन मेरे जाने का कोई मूड नहीं है, बिल्कुल मेरी तबीयत ही सही नहीं है। उनको तो ना इस टाइम थोड़ी सी बोरियत होती है, वो कहते हैं कि मैं चला जाऊँ कहीं बाहर ना, तो अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, जाती हूँ, जाना तो पड़ेगा। तो गाइस अभी आ गई है मेरी मज़ेदार सी चाय। तो रोज़े के बाद चाय पीना तो ज़रूरी है बहुत। तो अगर रोज़े के अफ्तार के बाद चाय ना पीऊँ तो सुकून ही नहीं मिलता, सर में दर्द होता रहता है। आयु तो बस चाय तो मेरी हो गई है, अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए किचन में। इमरान का इरादा था कि मैं बाहर चलूँ, लेकिन मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं है, इसलिए मैंने बाहर जाने के लिए मना कर दिया। और मैंने कहा कि मुझे सब्ज़ी ला कर दें ताकि मैं खाना बनाऊँ। और मैंने सोचा है अभी मैं बनाऊँगी तुरई प्याज गोश्त। बहुत दिल चाह रहा है, बहुत दिन से सबीन का भी दिल चाह रहा था, वो भी बेचारी बोलते बोलते चली गई। तो अभी अचानक से मुझे आइडिया आया खाना पकाऊँ, तो तुरई प्याज गोश्त बना लेती हूँ। गोश्त निकाल के रखा तो है। तो भाई अभी बैठी हूँ मैं, सब्ज़ी काटने चुकी है तुरैयाँ और प्याज, और आयु भी मेरे साथ बैठी हुई है। आयु का भी दिल नहीं लग रहा, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मेरे साथ जा रही है, वरना ही तो मेरे साथ फिरती ही नहीं है। चलें जल्दी से तुरई प्याज गोश्त बना लेती हूँ। तो गाइस ये मैंने ना गोश्त उबालने के लिए रख दिया था, इसलिए क्योंकि ना ये खुल नहीं रहा था। इसमें मैंने डाला है ऑयल, पिसी मिर्चें, कुटी मिर्चें, नमक, ज़ीरा, टमाटर और हरी मिर्च, ये सारे मसाले। तो गाइस गोश्त तो मेरा गल गया, मुझे ऐसा लग रहा है कि गोश्त गल गया है। अब है सब्ज़ी डालने की बारी। थोड़ा बहुत गोश्त रह गया, साथ सब्ज़ी डाल देती हूँ जो मैंने वॉश करके रखी हुई है इसके अंदर। अब ये सब एक साथ ही हो जाएगा। इसमें मुझे लग रहा है थोड़ा सा ऑयल कम, तो और डाल देते हैं थोड़ा सा। आंच कर देते हैं थोड़ी सी स्लो। अब ये हल्की आंच पे पकेगा थोड़ी सी देर, और इतने में टीवी देख लेती। मैं बहुत देर से टीवी देख रही हूँ, इतनी बोर हो रही थी बस। और आयत यहाँ पर टीवी देख रही है, टीवी तो नहीं देख रही आयत, तो अपनी पोयम देख रही है, और मैं यहाँ बैठी हुई टीवी देख रही हूँ बहुत देर से। इमरान जाकर सो गए, एक तो वैसे ही घर में सन्नाटा, और ऊपर से और जाकर सो गए। कंट्रोल कंट्रोल गाइस मेरी रोटी भी तैयार हो गई है तकरीबन, और इस वक्त बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि किचन में हूँ। और तुरई गोश्त भी तैयार है, और मुझे उम्मीद है मज़ेदार पक्का होगा। बस ये आखिरी छोटी रोटी है, ये डालती हूँ। और तकरीबन 11:30 बज गया है, और मैं टीवी देखने में लग गई थी गोश्त चढ़ाकर। तो बस लास्ट रोटी है, खाना बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ। ये भी हुई है, छोटी सी रोटी भी रखी। कल लाया दस्तरखान, निकालूंगी, पता नहीं कहाँ रखा है मैंने, खा के मिल ही नहीं रहा मुझे। अब जब दिल चाहेगा जब खा लेंगे इमरान साहब। मुझे तो भूख नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने तो अभी इफ्तार किया था, तो इसलिए मुझे तो भूख नहीं है। इमरान का अब जब दिल चाहेगा वो खा लेंगे खाना। और आप देख सकते हैं मैंने किचन भी पूरा साफ सुथरा किया हुआ है, खाना भी पक गया और किचन भी साफ सुथरा है। तो गाइस खाना वाना खा के फारिग हो गए हैं, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 1:30 बज गया है। तो बस उसके लिए शायरी के लिए भी उठना है, रोज़ा रखना है। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलती हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।